कांग्रेस का पूरा ध्यान छवि खराब करने पर, शेर पढ़कर किया कांग्रेस पर हमला, सपा बसपा पर भी साधा निशाना, जाति देखकर विकास करने का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो पार्टी पहले चरण के चुनाव से पहले खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान रही थी, अब वो खुद को वोट कटवा पार्टी मानने लगी है। जो पार्टी पहले चरण के मतदान से पहले खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार बता रही थी, अब वो ये मानने लगी है कि हम तो यूपी में सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वोट कटाऊ पार्टी बन गए हैं। मोदी ने कहा, रोज मोदी पर कीचड़ उछाला जाता है, रोज झूठ बोला जाता है। राफेल का शगुफा ले आए और झूठ बोला गया। अपने पूरे इकोसिस्टम को उन्होंने झूठ के प्रचार में लगा दिया है। कांग्रेस का एक ही काम है, मोदी की छवि खराब करना। रोज नए झूठ गढ़े जाते हैं, रोज मोदी पे कीचड़ उछाला जाता है। एक झूठ का पुलिंदा बना दिया, उसको राफेल नाम दे दिया। इन्होंने अपने सारे दरबारियों, पूरे इकोसिस्टम को इसी काम में लगाया हुआ है। कांग्रेस का लक्ष्य है मोदी की छवि खराब करना। बीएसपी और एसपी के शासनकाल पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि बीएसपी के शासनकाल में ना एम्बुलेंस सुरक्षित थी और ना ही ताजमहल। बसपा के राज में ना एम्बुलेंस सुरक्षित थी और न ही ताजमहल। वही जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुआ और बबुआ का साथ सिर्फ 23 मई तक ही है। भाइयों बहनों, आज जो एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं बुआ और बबुआ, 23 मई को देखना। बुआ बोलेगी कि गुंडों का सरताज है बबुआ, और बबुआ बोलेगा कि भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है बुआ, और आपस में एक दूसरे में एक लोग टूट पड़ेंगे। सीएम ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में देश में जो विकास कार्य हुए वो अभूतपूर्व हैं। भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए फिर से एक बार मोदी सरकार चाहिए। पहले दो लड़कों की जोड़ी 2017 में फेल हुई, आज भाई बहन भी आ गए हैं। और मुझे तो कभी कभी ताज्जुब लगता था, मैं सोचता था केवल भाई ही झूठ बोलता होगा, अब तो बहन के संस्कार देख करके मुझे तो कभी कभी लज्जा भी आती है कि एक बहन कैसे बच्चों को गाली सिखाती है। मैंने वो वीडियो देखा कि बच्चों को गाली सिखा रही है। अरे कम से कम अपने कांग्रेस के संस्कारों को देश के बच्चों को तो मत दो। अवध की लड़ाई अब परवान पर है, जिसके लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का धुआंधार प्रचार भी जारी है, और कोशिश यही है कि ना माहौल कम होगा और ना ही विरोधियों पर हमले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।